उत्तराखंड में, जो कि आपने देखी होगी लास्ट वाली वीडियो, बस जंगल सफारी करके आए थे हम, 5 बजे के आसपास का टाइम हो चुका है और हमें लगा ये भूख, तो सब ये कह रहे हैं हम रेस्टोरेंट से कुछ नहीं खाएंगे, खुद बनाएंगे खुद ही खाएंगे। तो खुद बनाएंगे खुद खाएंगे तो भाई एक ही चीज़ है तो 2 मिनट में रेडी हो सकती है, मैगी, और बाकी और कुछ बनेगा तो देखेंगे। भाई आज हमारे शेफ लगे हुए हैं, क्या बना रहे हैं क्या कर रहे हैं, आओ उनको देखते हैं और वो क्या क्या रेडी हो चुका है। आओ जी, और हमने यहाँ पे गाड़ी पार्क की है, ये देखो भाई कितना बढ़िया यहाँ पे नदी एकदम, और शोर आ रहा होगा आपका नदी का, और व्यू देखो कितना बढ़िया, वो पीछे का बादल क्लाउड्स भाई बहुत बढ़िया इस तरफ भी, और यहाँ पे वो बहुत टूटा सा पुल है वो देखो, बादल आगे बादल बन रहे हैं अभी ये देखो कैसा पुल है भाई, ये मेरे ख्याल से 20 साल पुराना होगा, साइकिल मोटरसाइकिल के लिए होगा तो बाइकों के लिए, इसमें फोर व्हीलर तो जा ही नहीं सकते, पैदल के लिए वो कुछ बनाया होगा बहुत पहले। अब तो भाई ये देखो यहाँ पे नीचे जाने का हम ट्राई कर रहे हैं, अगर कहीं से भाई मिला रास्ता तो गाड़ी लेके चलेंगे या खुद चलेंगे, हम पैदल जाएंगे, मतलब बहुत बढ़िया भाई माहौल है यहाँ पे, मजा आ रहा है देखते ही। वो अच्छा उसकी कह रहे थे वो बादल बन रहे हैं जी। आज हमें सैफ साहब बनाएंगे, क्या पानी बना रहे हो जी? पानी बन रहा है अभी तो पानी के अंदर क्या डालोगे? मैगी खोल दो, 2 मिनट में मैगी रेडी। तो भाई कितने पैकेट देखो, कितने सारे, 1 2 3 4 और एक ये 5 पैकेट भाई मैगी बना रहे हैं हम, जिससे भाई हम अपना पेट भरेंगे और आगे चलेंगे। सबकी जिद आज ये थी कि कुछ बना के खिलाओ, ठीक है बना के खिलाएंगे, हमारी ड्यूटी है, करेंगे हम अपनी ड्यूटी पूरी, फिर बच्चे क्या करके दिखाएंगे उसके बाद ये देखेंगे। मैगी बन के रेडी है, सबने अपनी अपनी मैगी डाल ली। ओ ये विम बार, विम और कहाँ गई? अच्छा ये अलग अलग बर्तन सबके अपने, अच्छा कोई प्लेट कोई को भगुने में ले रहा हो तो भाई आपका अच्छा अलग बाउल है। तो भाई सब मैगी खा रहे हैं पहाड़ों में बैठ के। ओहो ये आ गया भाई, आ जा भाई तू भी आ जा। हाँ जी सर, कैसी मैगी बनी है? बहुत ज्यादा पानी डाल दिया आपने। पानी है देखो, तो पानी तो ज्यादा होना ही था, जहाँ कमी हो वहाँ कम डलेगा पानी, मतलब तो पानी के भरमार है, नदी बह रही है। हाँ जी हमारे सैफ साहब सब शिकायत कर रहे हैं पानी ज्यादा है। अच्छा अपनी चीज में कमी कौन बताएगा नमक कम है बस थोड़ा सा। बढ़िया है हाँ। बस नमक कम है, मिर्च कम है, मसाला नहीं है, पानी ज्यादा है, बाकी सब बढ़िया है। प्यार ज्यादा डाल दिया इसमें, अच्छा दिख नहीं रहा क्या बना दिया जी ये का मिट्टी मिला दी गई इसमें शरबत ऐसे कलर का नहीं होता शरबत भैया। और ये देखो कहाँ से आ रहा है पानी, ये कमाल की चीज है भाई, ऐसा नहीं कि वो वाटरफॉल है कहीं से पानी आ रहा है, पहाड़ के अंदर से, जैसे पहाड़ को लीकेज हो गई हो, पहाड़ के अंदर से आ रहा है जी, ऊपर से नहीं आ रहा, अंदर से ऐसे जैसे किसी ने ड्रिल मशीन चला दी अंदर और वहाँ से लीकेज हो गई हो। ये देखो भाई कमाल की चीज़, और यहाँ पे भाई इसकी वजह से कितना लैंडस्लाइड हो चुका है, ये देखो आप भी यहीं खड़े हो, देखो ये पहाड़ पत्थर गिर रहे हैं। ये पीने का पानी साफ है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, ठीक है जलजीरा और ठंडा पानी है जी। तो लो जी हमने जलजीरा बना लिया, हम पाउच लेके आए थे 3-4,
भाई हम अभी वापस चले घर के लिए फाइनली, और अभी टाइम हुआ है 5:17 मनी निकल 19 ओ चलो यार आप 5:30 लगा लो, छोड़ो फैसला कर दिया हमने और बच्चे क्या कह रहे हैं कर देता हूं एक चीज का कि आज हम यहीं रुकेंगे। अच्छा यहाँ का सड़क पे, सड़क पे रुकेंगे भाई, इस गाड़ी में दो बंदे से ज्यादा नहीं सो सकते, हम सो के दिखाएंगे, हम सो के दिखाएंगे। अच्छा तुम तो सो के दिखा दोगे, हम क्या करेंगे। तो भाई अभी चल रहे हैं क्योंकि लेट तो हो गए बहुत ज्यादा, और यहाँ से लगेंगे 7 hours कंटिन्यू जब ड्राइव करेंगे तो वो तो पॉसिबल है नहीं भाई। रस्ते में भाई डिनर भी करेंगे, रुकेंगे भी, बहुत से काम होते हैं आपको पता ही है, और कितने बजे पहुँचते हैं वो तो रात को ही पता लगेगा इस चीज का। तो भाई ये पर काफी लेट निकले हम, सुबह 5 बजे निकल रहा था, रात शाम को 5 बजे निकल रहे हैं, देखो कितना पंक्चुअल है हम टाइम के, 5 बजे जरूर निकल रहे हैं। बाहर का वेदर दोबारा खराब हो गया भाई, देखो अभी इतनी तेज धूप थी जहाँ मैगी बना रहे थे, और ये तो देखो क्या हो गया इधर, ये दोबारा बारिश हुई इधर। ये अभी अभी जस्ट लैंडस्लाइड हुई है, बिल्कुल अभी अभी हुई है, और बारिश हो रही है इस वजह से कुछ ज्यादा। ये देखो आगे यहाँ पे ये देख वो ऐसा वो मशीने लगी रही है फिलहाल भाई, ओ हो मेरे बाहर से सही है, इधर भी भाई राइट साइड में भी दोनों तरफ गाड़ियां रुकी हुई है, उधर भी और उधर भी हमारी तरफ से जिस तरफ से आए हम। देखो पे क्लच में फिर दोबारा आवाज आ रही है, अब ये चीज समझ में नहीं आ रही भाई क्या किया जाए इसका समाधान। अभी आपके सामने ठीक करा के लाया था मैं उस दिन, और फिर दोबारा वही प्रॉब्लम। भाई आज स्कॉर्पियो के बारे में एक नई चीज पता लगी हमें, एकदम बाइक सामने एकदम बाइक वाला आ गया था, एक अचानक इंडिकेटर दिया और आ गया, जैसे भाई इंडिकेटर दे के वो राजा बन गया, पर कोई बात नहीं। हमें पता लगा कि इमरजेंसी ब्रेक जब लेते हैं ना तो 1000 लैप में भाई ऑटोमेटिक ऑन हो जाते हैं खुद ही। हमें नीलांश ने गौर किया, मैं तो इतना वो हो गया था बिजी, अचानक ब्रेक लिया हमने और भाई लाइटें सारी ऑन होगी, सारी इंडिकेटर हमारे। ये तो अच्छा फीचर है भाई, दोबारा दोबारा कोई बाइक वाला आ गया तभी तो और करके देख सकते हैं, अचानक ब्रेक तो लगाने 100 की स्पीड पे ब्रेक लगा दो जल जाएंगे ना, वो क्या स्लिप हो जाएगी ज्यादा ज्यादा क्या होगा, पर भाई अच्छा अच्छा फीचर, ताकि पीछे वाला ना जो पीछे ड्राइव कर रहा हो कोई भी चीज गाड़ी वगैरह तो वो एकदम अलर्ट हो जाए कि यहाँ पे कोई हलचल हुई है, अच्छी चीज है भाई। हाँ मैं जी हरिद्वार में, हरिद्वार से थोड़ा सा मतलब निकले हैं, हरिद्वार में भी कह सकते हैं, और पतंजलि हमने क्रॉस किया है, अपना फ्रेश व्रेश होके अब आगे की तरफ चल रहे हैं। हाँ भाई तेरा क्या हो गया, क्यों खास रहे तू, ठीक रहा कर, ओ अपनी गाड़ी अभी चल रहे हैं आगे की तरफ, हम डिनर करेंगे कहीं आगे, चलो भाई। बोलते बंद होगी, अभी ब्लिंक कर रही थी ना कितनी देर से, भाई डीजल एकदम खाली पूरा टैंक, तो भाई फिल कराते हैं और पूरा फुल करवाएंगे एकदम, डीजल कर दो एकदम फुल, बूंद बूंद यहां तक नजर आना चाहिए, यहां तक इतना फुल कर दो। जनरेटर चला दिया, ये कितनी पुरानी मशीन आपकी है भाई, डीजल हो गया एकदम फुल ऊपर तक, ये नजर आ रहा अंधेरे में भी, और कितने का आया 4,859 रुपीज, 54 लीटर, 50 लीटर का टैंक, 4 लीटर देखो डीजल आया इसमें, कमाल है भाई, वाह। लो जी आप लो पैसा, ये जितने निकालने निकाल लो। हाँ भाई ये अपना ट्रिप का सेकंड टैंक था और एकदम फुल करा लिया, दूसरे ट्रिप पे काम आएगा या भाई अपने
डेली अपने रूटीन में जब चलाते हैं, जब काम आपकी बेल्ट जूती बांध लो जी। और भाई तुम क्या खेल रहे हो, मारियो है लूडो? बच्चे भाई अपना पूरा मजे ले रहे हैं ट्रिप का, है ना? फिर हाँ क्यों नहीं बोल रहे, चिप चिप कर रहे हैं, चिप्स खाओगे भाई? रात के कितने कितने टाइम हो गया? 11:30 ना, मैं पहले खुद अपनी आंखों से देखूंगा। आंखों से ही देखूंगा तो ये सही कह रहा है, ये बंदा सही कह रहा है, ये 11:12 कह रहा है, ये भी सही कह रहा है, 11 और 12 के बीच में। और भाई अभी हमने भाई डिनर किया है, ये देख लो, और काम खतौली में। तो भाई और अभी खाना खा के चलना चाहिए जी। हाँ पोस्ट कर दो जी, पोस्ट कर दो। रात का टाइम हो गया है 12:11 और भाई बच्चे सब जग रहे हैं और हम भी, हमने तो जगना ही, और क्या करेंगे टू जी? हाँ क्या जी, थोड़े कम जग रहे हैं। खाली अब इशारों में बात चल रही है। पहुंच गए जी घर पे, और कितना ड्राइव किया हमने, 733 किलोमीटर भाई, पूरा ट्रिप जाना आना घूमना वहाँ पे सारी चीजें। और भाई कितना टाइम हो गया रात के, भाई 1:30 बज गए, 1:29 टाइम देख लो आप। तो भाई 1:30 बजे घर पे पहुंचे हैं, और कैसी नींद आ रही है जी? बहुत तेज। हालत देख लो कैसी होगी भाई। रात को ना एक ही हो जाता है कि भाई अब पहुंचना पहुंचना है, जब हम 2-3 घंटे से सोच रहे अब पहुंचे भाई, कहीं होटल लेते स्टे करते, सुबह जल्दी उठना पड़ता, फिर आना पड़ता भाई, कल सुबह ऑफिस भी जाना है, इस चक्कर में भाई पूरा रात ड्राइव करना पड़ा। रात का 2 घंटे और हो जाए भाई सुबह हो जाएगी। तो अभी तो भाई पहुंच गए, और सफ़र बहुत बढ़िया रहा हमारा भाई, पूरा एंजॉय करके आए, खूब बढ़िया वेदर था वहाँ का, आपने सारी वीडियो देखी होगी, और नहीं भी देखे तो देख लीजिए भाई, एकदम एक नंबर का। और भाई रास्ते भी वहाँ के रोड कंडीशन बहुत अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और आप भी जानना चाहें तो भाई हम बिल्कुल सजेस्ट करेंगे, आप रहें कानाताल में धनौल्टी में, और बढ़िया मज़ा आएगा, मतलब पास की पास है, बहुत अच्छी जगह है। बाकी आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, काफ़ी अच्छी जगह है, व्यू अच्छा मिलता है, और क्लाउड्स तो कहने क्या, और इसकी शक्ल देख लो, खाने को कुछ ना मिलता इसको, और देख कितना कमजोर है। अरे भाई आजकल के बच्चों का क्या कहना भाई, हद है। चलो कोई बात नहीं भाई, वो तो इनका डिसीजन है, क्या करना है इनने, कैसे करना है, जो भी है। तो भाई अभी हम घर पे पहुंच गए, अभी सोते हैं भाई, अब इतनी तेज नींद आ रही है वो, तो तब तक के लिए भाई अभी आपसे कल मिलेंगे। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ड्राइव सेफ, भारत माता की जय।